नमस्कार, मैं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं रेडियो बुलेटिन। दर्शकों, आज मैं भोपा में मौजूद हूँ, जो कि मीरापुर विधानसभा का क्षेत्र है। यहाँ पे कुछ लोग मुझे इनसे बातचीत करते हैं सरकार के कामकाज के बारे में, उनके विधायक के कामकाज के बारे में, कि वो अपने क्षेत्र में कितने सफल रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शारिक अली। शारिक जी, विधायक को जानते हैं अपने? हाँ जी, विधायक को जानते हैं। हाँ जी, कपिल देव जी। और ये विधानसभा क्षेत्र मीरापुर विधानसभा क्षेत्र? नहीं, इस इधर का नहीं पता, मैं मुजफ्फरनगर साइड का हूँ। हाँ जी, योगी सरकार को 4.5 साल हो गए हैं, कितनी सफल रही है? कितनी भी सफल नहीं रही। कितनी सफल रही है भाई? जब सफल हो कहाँ से जाएगी, जब अनपढ़ को तुम गद्दी पे बिठा दोगे, सफल हो कहाँ से जाएगी ये बताओ मुझे तुम। जिस अंगूठा टेक आदमी, खूनी आदमी, जिसके खिलाफ इतने सारे मुकदमे हो, पढ़ना लिखना उसे आता ना हो, तो वो करेगा क्या? या तो नौकरियाँ छीनेगा या फिर जानवरों के पीछे फिरेगा, बताओ। तो कौन बेहतर है फिर? कौन बेहतर है? बेहतर वो है कि पढ़े लिख के इंसान को बिठाओ, जो कम से कम फुल ग्रेजुएट तो हो। फुल ग्रेजुएट ही एक ग्रेजुएट जिसे नौकरी नहीं है उसका दर्द समझ सकता है, या जिसके परिवार हो वो परिवार का दर्द समझ सकता है, जिसे अनपढ़ है, कुछ पता नहीं, वो कहाँ से समझ जाएगा, बताओ। आप ही बताओ। तो क्या लगता है, जैसा कि आप युवा हैं, योगी सरकार नौकरियाँ दे पाई है युवाओं को? नहीं दे पाई। नहीं, किसे मिली? किसी एक का नाम बता दो जिसे मिली हो। किसी एक का नाम बता दो जिसे मिली हो नौकरी। अभी तक तो नहीं मिली। लगभग 1 करोड़ नौकरियां देने के लिए कहा था, उससे ज़्यादा खो चुकी है। और जो नौकरी मिलने वाली थी वो सारा प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया है, वो नौकरी भी खत्म होंगी। क्या लगता है 2022 में क्या होगा इस बार? 2022 में क्या होगा? होगा तो यही, सरकार तो भाजपा की आनी फिर 100%। क्यों कुछ भी हो, क्योंकि हमारा ये मानना है ना, सरकार तो उसी की आनी है। लेकिन कारण तो होगा। हम सरकार से खिलाफ नहीं है, खिलाफ उससे है के वहाँ अनपढ़ नेता बिठा रखा है उन्होंने। अनपढ़, अगर एक पढ़े लिखे, कोई भाजपा गलत थोड़ा ही करेगी, अगर योगी की जगह एक पढ़े लिखे इंसान को बिठाते तो वो कुछ करता, दूसरे आदमियों के बारे में सोचता। जब आपने अनपढ़ को बिठा दिया तो वो करेगा क्या? कुछ भी नहीं करने का। तो 2022 में किसकी सरकार बने, अखिलेश यादव की? देखो, उसके लिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, किसी लिए ना मैं उसका आपको आइडिया दे सकता कि किसकी सरकार बनेगी। मेरा मानना है कि भाजपा की ही सरकार आएगी, ठीक है, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा बदला हुआ होना चाहिए, या तो कोई ग्रेजुएट हो, या कोई कोई नई उम्र का हो जो समझ सके, परिवार हो किसी का। लेकिन सारी की सारी सरकार ऐसी है कि परिवार किसी का है ही नहीं, ना कि कोई किसी का दर्द समझ सकता, ना किसी को नौकरी मिल सकती, सारे के सारे अनपढ़ ही बैठा रखे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अंकित है। क्या करते हैं अंकित? मेरा खराद का काम है। योगी सरकार को 4.5 साल हो गए हैं, खुश हैं आप उनसे? हाँ, खुश हैं। क्यों खुश हैं? बस ठीक है, अपना रास्ते में आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, लूटपाट नहीं होती। लूटपाट कुछ नहीं। और पहले? पहले लूटपाट थी, गाची था कई बार, कोई दिक्कत नहीं। और हम तो संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं हम योगी सरकार से। अखिलेश यादव बढ़िया है, योगी जी बढ़िया है? योगी जी बढ़िया जी। महंगाई? महंगाई तो सबके लिए एक ही है। महंगाई नहीं हो रही सरकार में? महंगाई हो रही, कोई दिक्कत नहीं, तरक्की भी ऐसी हो रही। क्या तरक्की हो रही है भाई? सड़कें बन रही, सारे काम हो रहे हैं। देखो, बिजली 24 घंटे। बिजली क्या लग रहा है 2022 में क्या होगा? 2022 में ये होगा भाई, मोदी जी, योगी जी आवेंगे, कोई दिक्कत नहीं। योगी जी चाहिए? हमें तो योगी जी चाहिए जी। क्या नाम है तेरा? मांगेराम जी। मांगेराम जी, 4.5 साल योगी जी को हो गए हैं, कितने सफल रहे हैं? कुछ नहीं जी, यहाँ तो ठरली पड़े, रोजगार तो खत्म ही हो गया। नौकरी कहीं करने जाओ तो नौकरी में तो यही 5-7 हज़ार रुपये मिले, बताओ बच्चे पालेंगे या वो करेंगे नौकरी? ये देख लो मेरी शॉप है, बिल्कुल ठरली पड़े सुबह से। सब रोजगार खत्म है जी। महंगाई बताओ, तेल कहाँ जा रहा, सरसों का तेल लगा लो, खाएंगे क्या? तो क्या लगता है 2022 में कौन सफल हो पाएगा? सफल तो यही होगा, योगी मोदी होगा, और महंगाई बढ़ेगी और रोजगार खत्म हो जाएंगे। जब लोग सरकार से परेशान है तो सरकार फिर आएगी क्यों इनकी? देख लो जी, सरकार तो इसी की आएगी, चाहे कितनी महंगाई बढ़ जाओ, चाहे कुछ भी हो जाओ, क्योंकि और खड़े होने वाला कोई नहीं है। सब अखिलेश यादव हैं, वे तो मुश्किल लग रहे मुझे। क्यों मुश्किल लग रहे हैं? क्योंकि इसने तो सबके हाथ काट दिए ना, कोई खड़ा नहीं होने का। तो वो तो कह रहे हैं आपकी बार तो हमारे, हम सरकार बनाएंगे। गुंडाई थी या नहीं थी पहले? हाँ, गुंडाई थी पहले, अब नहीं है गुंडाई। अब तो रात को किसी भी टाइम चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर रोजगार नहीं है? रोजगार नहीं है। महंगाई तो बढ़ती जा रही। किसानों के लिए? किसान तो वहीं का वहीं है। किसानों के लिए कोई बढ़ोतरी नहीं हुई सरकार? कोई नहीं, वो तो वहीं का वहीं है। इसमें तो गरीब आदमी, जो मजदूर लेवल का आदमी, वही डाउन होता जा रहा। विधायक जी को जानते हैं अपने आप? ना जी, हमने तो देखा भी नहीं आज तक, कभी नहीं आए अपने।
मीरापुर विधानसभा क्षेत्र तो बताओ। मीरापुर विधानसभा क्षेत्र विधायक नहीं जानते ना, बड़ा ना सुनने थे, अभी वो दिखाई भी नहीं देते, यहाँ देखा भी नहीं कभी। 4.5 साल हो गए आपके विधायक अवतार सिंह बढ़ाना। हाँ जी, अभी तक देखा ही नहीं कौन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम है, उनसे बात करता हूँ। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ओमपाल त्यागी। योगी जी सही काम कर रहे हैं प्रदेश में? योगी जी के काम के बारे में बताता हूँ जी मैं। हमारा चीनी मिल है मोरना, किसान हम आदमी है। अब से पहले जब से इनकी सरकार आई कभी हमारा पेमेंट नहीं रुका, और ये समझो आधा साल चला गया इस बार का भी, पिछला पेमेंट हमारा अब तक नहीं हुआ। और जब इनकी सरकार आई थी जब हमारा ढाई का कट्टा 500 रुपये का था, आज हमारा ढाई का कट्टा 1450 रुपये का है। तेल जब ये आए थे इन्होंने ये कहा था कि तेल और गैस ये दो चीज़ हम जो है ना 50% बुला देंगे, यानी कि आपको तेल जो हम 33 रुपये लीटर देंगे, आज 100 पार कर गया। तो बताओ कहीं की सरकार अच्छी है? तो किसानों की सरकार है नहीं है फिर? ये किसानों विरोधी सरकार है, किसान विरोधी मैं बता नहीं रहा जी, मैं किसान हूँ इसीलिए अपनी बीती हुई बता रहा हूँ। अब देखो मान लिया मुझे कोई भी काम करना, पिछले साल से मेरा कोई पैसा नहीं मिला, अब बताओ कहाँ जा किसान? यहाँ पे गन्ना गिर रहे तो 240 रुपये कुंटल ले रहे हैं, इन्होंने तो कह दिया कि 350 रुपये कुंटल का भाव है, 350 रुपये कुंटल का भाव बताते हैं, लेकिन जो हमारा गन्ना जा रहा है वो तो 240 में जा रहा है, तो किसान कहाँ पन पका? किसान तो बिल्कुल अपनी ज़मीन बेचने की कगार पा गया इस उस पर। तो महंगाई भी चल रही है? महंगाई तो छोड़ दो, महंगाई के बारे में तो मैंने बता दिया भाई, जो कट्टा 500 रुपये का था आज 1450 का कर दिया, गन्ने पे 1 रुपया नहीं बढ़ाया, आपके 25 रुपये बढ़ा गए तो सोच रहे भाई गन्ने पे बहुत कुछ बढ़ा दिया। चुनाव आ रहे हैं इसलिए तो नहीं किया? नहीं, चुनाव का तो इनका जुमला है, चुनाव तो ये इसलिए जीतेंगे ना, हिंदू मुस्लिम से अलग और कुछ जानते ही नहीं तो लोग समझदार हो गए शायद। नहीं ऐसा ना, ये माहौल बनाते हैं ना ऐसा। अब देखो कल प्रधानमंत्री जी ने वो ज्योति का वो करवाया नहीं, वहाँ से गाँव दीप जलाओ ये करो, ये केवल जो है ना हिंदू मुस्लिम करके इसलिए सरकार आती है और किसी उस पर नहीं आती। यूपी में सबसे महंगी बिजली है और स्टेट भी तो है, यूपी का आदमी कोई अलग से थोड़ी कमा रहा भाई, कमाई तो उसकी भी इतनी है। हरियाणा में भी बीजेपी सरकार किसानों को इतनी सेवाएं देती है वो? हम तो अपनी यहाँ की बात कर रहे हैं कि भाई जब मान लिया हमें नहीं कोई चीज़ मिल रही, ये कहते हैं हमने टोटल पेमेंट करा दिया, सरकारी मिल है ये तो इनके हाथ में है, जब इसी का नहीं ये करा सके तो और का कहाँ करा देंगे। क्या लग रहा है फिर 2022 में क्या होगा? 2022 में इनकी ये सुपाड़ा साफ होगा, अब कहीं हार गए थे तो यहाँ की सीट। विधायक जी को जानते हैं अपने? हाँ जाने, अवतार सिंह बढ़ाना यार, जब वोट लेने आए थे बस जब शकल देखी थी, उसके बाद आज तक शकल नहीं देखी, 4.5 साल में कभी नहीं आए, फिर शकल ही नहीं देखी बस भाई। मैं तो राजा आदमी है, हेलीकॉप्टर सवारी करो जनता, हेलीकॉप्टर नहीं उतरता यहाँ, हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं, हाँ हेलीकॉप्टर उतरेंगे किसी की ऊंचे आदमी की कोठी पर उतरेगा। बताओ किसकी सरकार आएगी 2022 में? अब अखिलेश की आओगी। अखिलेश? हाँ जी, अखिलेश सोच सकते हैं किसानों के बारे में? हाँ, मतलब कहने का उसने जो हमारा बढ़ाया उसने कई बार पैसे बढ़ाए, रही बात ही है हम लोग जो है ना भाई धरती के आदमी हैं, किसान है, जो हमारे बारे में सोचेगा हम उसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, इन्होंने हमें धोखे से हमारी वोट ले ली, हमने दे दी, अब नहीं होगा धोखा जी, अब क्या मतलब हो गया, अब तो गाँव ही बढ़ जाओ। सही कह रहे हैं जी? सही कह रहे हैं बिल्कुल। आप बताएं क्या माहौल है इस बार? माहौल तो देखो सुनो मेरी बात, बात यह है अगर विकास के नाम पे यहाँ किसी की जीत होती तो अखिलेश जी जीतते, क्योंकि विकास उन्होंने इतना कराया था, रोड बनवा दिए, लैपटॉप दे दिए इंटर के बच्चों को, और जिस वक्त में यहाँ पे हम रहते थे तो 80 रुपये किलो सरसों का तेल था, आज 200 रुपये किलो है, पेट्रोल 65 रुपये लीटर था, आज 100 रुपये लीटर है, डीजल 48 था 48 रुपये था, अब वो 100 के रेट तो वही हो रहा है, मतलब 90 रुपये। तो कुल मिला के अगर विकास के मुद्दे पे यहाँ कोई इलेक्शन जीतता तो अखिलेश जी जीतते, ये तो मतलब हिंदुस्तान की कहावत है कि भाई विकास के मुद्दों पे अगर वोट मिलनी थी तो यहाँ अखिलेश जी को मिलती, तो वो हार गए थे, तो अब की बार तो अखिलेश जी का ही है, ये है मसला। विधायक जी को जानते हैं अपने? नहीं जानते। असल में मैं पुरकाजी विधानसभा से हूँ, हमारे यहाँ प्रमोद ऊंटवाल जी हमारे पुरकाजी, वो भी बीजेपी के ही हैं? बीजेपी के ही हैं, वहाँ तहसील पास कराई थी पुरकाजी के लिए, तो वहाँ किसी का नाम ना हो जाए, मतलब हमारे जो चेयरमैन साहब हैं जहीर फारूकी साहब, तो वो बरला में पहुँचा दी, इंटर कॉलेज नहीं था कोई, अखिलेश के टाइम पे ही उसका काम शुरू हो गया था, तो आज इंटर कॉलेज भी बन चुका है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट अंडर में जो इंटर कॉलेज होता है वो भी बन चुका है। तो मेरा कहना ये है कि भाई ये जो सरकार है ये हिंदू मुस्लिम करा के अपना, देखो जनता जागरूक हो गई है, हिंदू मुस्लिम सब यहाँ मिल के रहते हैं, अब सब इनकी चाल समझ चुके हैं, अगर हिंदू मुस्लिम करा के जीतना चाहते हैं तो ये इम्पॉसिबल है।
अब समझदार हो गए लोग। हाँ, लोग समझदार हो गए हैं, ऐसा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये तो कहते हैं सपा की सरकार में गुंडे ही थी, अब गुंडे खत्म हो गई है। देखो सुनो, उससे नुकसान किसी भाई, देखो मध्य वर्ग जो है वो पिस रहा है। एक आदमी 300 की मजदूरी करके लाएगा तो 200 रुपये किलो का तेल खाएगा वो। दाल देखो, दाल मतलब चने की दाल 40 रुपये थी, आज 80 रुपये मिल रही है, तो हर चीज़ डबल हो गई है। तो भाई किधर जा रहे हैं वो? अगर एक सिलेंडर 300 रुपये की कीमत का, स्मृति ईरानी जी दिल्ली में बैठ जाती थी, आज कहाँ है स्मृति ईरानी जी? आज 950 रुपये का सिलेंडर है। अगर हम मजदूरी करके लाएंगे 300 रुपये की, तो हम सिलेंडर कहाँ से वो कर लेंगे, ये बताइए आप। दूसरी बात, हर चीज़ की महंगाई हो चुकी है, तो ये तो भाई समस्या पर है हमारी सरकार। नहीं समझ में नहीं आई इस बात, समझ में नहीं आई कुछ नहीं। अखिलेश यादव लगते हैं। हाँ, ओके, अखिलेश यादव जी ही आएंगे। योगी जी सही काम कर रहे हैं? हाँ, योगी जी कहीं कर भी रहे सही, कहीं नहीं कर करा रहे, सब ऐसे हो रहा है। सारी कमी चल रही है, मैं तो देख रही महंगाई है, नहीं है महंगाई बहुत बड़ी। कौन बेहतर था, अखिलेश यादव या योगी जी? अखिलेश यादव बेहतर था, महंगाई नहीं थी उसमें। हाँ, उसमें ठीक है, काम हो रहे थे, इसमें ना हो रहे थे। किसानों की क्या स्थिति चल रही है मोदी सरकार? तो वहाँ पड़े जो कितने मर लिए किसान, हाँ दिल्ली में जो कितने मर लिए भाई। हाँ, तो ये अच्छी है खराब है? तो कौन क्या, कौन आएगा 2022 में? हाँ, कौन आएगा 2022 में? अखिलेश आवा, अखिलेश आवा का। हाँ, वो सोचेंगे आपके बारे में? हाँ जी सोचेंगे। मीरापुर विधानसभा निवासी हैं आप? हाँ। विधायक जी को जानते हैं अपने? ना देखा नहीं मैंने। नाम पता है? ना, नाम नहीं पता ना। विधायक को देखा कौन जी? हाँ। जब वे एक बार वोट लेने के लिए आते हैं तो सबकी कोली भरते हैं, और जब वे जीत जाते हैं फिर तो हम लोगों को भूल जाते हैं। आपको पता है, हमें पता है, उन लोगों को पता है, कोई किसी के पास नहीं आता है, फिर किसी के पास नहीं आता है। आप लोगों को समझदार बनना चाहिए ना, तो जनता समझदार हो गई है। तो जनता समझदार होगी, जो चुनाव आने वाले है वे अपनी मर्जी के हैं और अपनी मर्जी से वोट देंगे। आपको क्या लगता है अब योगी सरकार सफल हो पाई नहीं हो पाई? तो योगी सरकार सफल है, अच्छी है, हम यूँ नहीं कहेंगे कि वो बुरी है, अच्छी है, वे भी लोग अच्छे हैं। हमारे मोदी जी भी सरकार अच्छी चला रहे, सब चला रहे, पर देखो हम गरीब आदमी है, मतलब वो जो महंगाई है, देखो आप भी जानो, तुम भी मजदूर हो, हम भी हैं, हमें मजदूरी बढ़ नहीं रही, किसान का कोई हुआ नहीं हो रहा, तो किसे अच्छा कहें। परेशान है मतलब सरकार, सभी परेशान है। तो क्या लगता है कौन बेहतर होगा? भाई बेहतर की तो बात यो है, हमारे लिए जो हमारे लिए सच्चा का वही बेहतर है। तो कौन सोच सकता है आपके बारे में? अखिलेश यादव, अखिलेश भी सोचेंगे बेचारे, वे जीत के वे भी सोचेंगे, बीजेपी सोच रहे हैं, अरे सभी ऐसे ही हो जाएंगे भाई। अखिलेश भी अब जीतने के बाद कोई नहीं सोच रहा, कौन सोच रहा है किसी को? तुम्हें देखो हमारे होगी सरकार, अच्छी सरकार चला रहे हैं, हम ये नहीं कहने के भाई, गल्ला मिला, गरीब को मिला, राशन जो भी कुछ मिला उन वे सभी लोगों को दे रहे, वे जात नहीं पहचान रहे, सबको दे रहे। तो महंगाई ने कमर तोड़ रखी, बस महंगाई ना कमर तोड़ रखी, कम महंगाई ज्यादा है, रोजगार है नहीं है कुछ भाई, रोजगार तुम देख लो, आप गली गली में घूम रहे, हर आदमी से प्रचार कर रहे, तो तुम ही देखो कि महंगाई है नहीं है। हम लोग तो बता ही रहे, तुम्हें पता, हमारी योगी सरकार को पता, हमारे प्रधान जी को पता है, सभी को पता भाई महंगाई हो रही है। क्या नाम है सर आपका? कालू राम। योगी जी को 4.5 साल हो गए प्रदेश में, खुश है नहीं? हाँ बढ़िया, एकदम बिंदास। बताओ खुश होना होने की क्या वजह है? आप बताओ तो, महंगाई बता रहे हैं तो हो जान, तो क्या हो गया, कितनी भी हो जाए महंगाई, कितनी भी हो जाओ महंगाई से क्या फर्क पड़ रहा, बताओ। आदमी कमा रहा नहीं, महंगाई तो उनके लिए हो जो कमत्ता नहीं, जो ठल्ली आदमी उनके लिए महंगाई। सुबह आवे दुकान पे काम करे, कोई टेंशन नहीं। पिछली सरकारें बेहतर थी या योगी जी बेहतर है? योगी जी बेस्ट एकदम। क्यों बेस्ट है बताओ? क्यों नहीं बेस्ट है आप बताओ, क्यों बेस्ट लगे बताओ? सारा काम है, अखिलेश यादव अच्छा नहीं है, जंगल में जावे तो रात को डर लगे, तब बेफिक्र जावे हम, अपराध खत्म हो गया, बिल्कुल जीरो, सब अंदर पड़े। आपका क्या नाम है? अमन कुमार। कैसी लग रही होगी जी सरकार? बहुत अच्छी आ रही है, बिल्कुल मजा आ रहा है, पूरा पूरा जी पूरा मजा। रोजगार भी है? रोजगार बतेरा जी। महंगाई? महंगाई पूरी जी, महंगाई पूरी है, तो सब कुछ पूरा है, सब कुछ पूरा जी। क्या लग रहा है फिर, क्या बात हो जाए भाई? लग तो ये रहा, यहाँ दुकान पे काम करे 4 साल हो गए, तनख्वाह नहीं मिल रही, तनख्वाह नहीं दे रहे इनकी, जब इनके मालिक की तनख्वाह नहीं दे रहे, बताओ ये क्या करेंगे? मालिक से लोग भाई फ्री में ही कर रहे जी, जब दुकान पे नहीं काम है तो क्या मिलेगा फिर? विधायक जी को जानते हैं अपने? हाँ जाना है, और तार सिंह बढ़ाना है। अभी आते नहीं आते? आए तो है नहीं, पर लेकिन हमारा एक शेर तो है विधायक यहाँ से,
विक्रम सैनी बिंदा चीता आदमी अजी तो हो अब तो यहाँ आठवें दसवें दिन आता है। अच्छा। उसमें क्या बात होगी, सारी समस्या सोल्व करे, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।